दोस्तों, अगर आपके पास उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक है अवेलेबल पोर्टफोलियो में, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों नहीं है, आप इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हो, तो भी आप वीडियो देख सकते हो मेरा यहाँ पे। अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर चुके हो, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास इसका स्टॉक अवेलेबल है पोर्टफोलियो में, तो सिर्फ और सिर्फ आप एक साल के लिए होल्ड कर लो। मेरे पास इसके ऊपर काफ़ी कमेंट आए कल के वीडियो पर कि क्या हम इसमें होल्ड करें, नई एंट्री ले। नहीं देखो, नई एंट्री की नहीं बोलूँगा मैं आपको इस वीडियो में, नई एंट्री लेने की बिल्कुल आप मत सोचना। यहाँ पे जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको मैं यहाँ पे एक राय दूंगा, लंबे समय के लिए होल्ड कर लो, एक साल दो साल के लिए। मैं आपको यकीन दिला दोस्तों, आज से एक साल बाद याद करोगे आप, आज से 2 अगस्त 3 अगस्त 5 अगस्त के आसपास 24-25 में बात करेंगे हम। टारगेट आपको देख लूँगा कम से कम 200 रुपये के आसपास का। अब ये बात मैंने क्यों कही, कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है मार्केट में। कंपनी के दोस्तों लगभग 400-500 ब्रांचेस है इसकी, और हो सकता है सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि ये काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। दूसरी बात ये है कि जो जोरों शोरों से काम चल रहा है इसमें, वो काफ़ी अच्छी टीम है इसकी, काफ़ी अच्छा खासा काम चल रहा है, काफ़ी अच्छा लोन बांट रही है। सबसे बात मेन बात लोन बांटने की, लोन तो काफ़ी अच्छा बांट रही है और लोन रिकवरी काफ़ी अच्छा हो रहा है इसमें। तो स्टॉक का ग्रोथ होने की काफ़ी संभावना अच्छी है, 80% ग्रोथ होने की संभावना, लेकिन 20% मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि हो सकती नहीं हो सकती। धन्यवाद।